The person, the student you are trying to teach is busy in the internet searching on that ठंड के दिनों में पढ़ाई करने के ज़बरदस्त तरीके क्या होते हैं, ठंडी में कैसे पढ़ाई करें, ठंडी में आलस कैसे ना आए, क्योंकि ठंडी के सीज़न पे ही आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ठंडी के गुजरने के बाद। सो ठंड के दिनों में और इसी टाइम पे आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना, क्योंकि अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसी बातें मैं बताऊँगा जो कि आपको 90+ फोड़ने के, जी हाँ 90+ फोड़ने का शेड्यूल है, आपको फॉलो करना है। यू विल हैव टू फॉलो वॉट एवर वी आर टेलिंग, वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू, सो यू विल हैव टू फॉलो द स्टेप्स। आपको सभी स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि आपको टॉप लेवल तक ले जाने की क्षमता रखते हैं और आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने की बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, तो क्या वाकई में आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? तो अगर करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, ये मैं देसी टाइप का मैं बताता हूँ जो कि आपके लिए अफोर्डेबल होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदुम्न, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन, जिसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करवाई जाती है। राइट, ये मेरे कुछ स्टूडेंट हैं और बीच में बैठा हूँ मैं, जिन्होंने लास्ट ईयर गेट किए हैं इतने अच्छे मार्क्स, तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। और ऑफलाइन तरीके से तो हालांकि मैं तैयारी नहीं करवा पाया, तो ऑनलाइन तरीके से आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो आप जो भी आपको चाहिए, आपकी ज़रूरत है, आप कमेंट करो वीडियो को कमेंट बॉक्स में, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आप कमेंट करके ये बताओ कि आप कहाँ से हो, किस सिटी से हो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि किस सिटी तक के स्टूडेंट को मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, और अपना नाम ज़रूर कमेंट करें। और क्या आप सचमुच बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो हाँ या ना कमेंट करें, है ना। और अपना टारगेट ज़रूर सेंड करिए ताकि मैं उस तरीके से आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकूं कि आपका क्या टारगेट है, 99, 95, 80, 85, 70, 60 और अदरवाइज पासिंग मार्क्स। कोई बात नहीं ना, पासिंग मार्क्स से बहुत है, ज़रूरी नहीं, किसी से मतलब नहीं है कि सामने वाला बंदा क्या सोचता है। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो वो मैटर करता है, क्योंकि वो आपकी लाइफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, पढ़ते वक्त पढ़ाई करते हैं। स्टेप नंबर वन, उसके पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले टॉपर छात्रों की कॉपी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनसे क्या होता है, हमें आइडिया मिलता है कि आखिरकार टॉपर स्टूडेंट लिखता क्या है और किस तरीके से कॉपी भरता है। तो हमने लाइव क्लासेस के साथ वीडियोस बना रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और इनको देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये क्लासेस जो हैं, ये जो मैंने बताई है टॉपर छात्रों की कॉपियों की लाइव क्लासेस, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, प्रिपेयर कैसे करना है, उसमें मैंने तैयारियों के तरीके भी बताए। और इसमें वीडियो के एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि आप टेलीग्राम पे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है और इंस्टाग्राम का, तो वहाँ से मुझे फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको स्टडी मटेरियल पूरी तरह से प्रोवाइड कराता हूँ विद प्रूफ, विद ऑथेंटिकली IMP क्वेश्चंस एंड ईच एंड एवरीथिंग स्टडी मटेरियल। तो स्टेप नंबर वन कि आपको क्या करना, कि याद करने वाली जो पढ़ने के वाले काम हैं सब दिन में करिए। ठंडी का सीज़न है बाबू, रात को करोगे तुमको नींद बहुत जल्द आती है। अरे यार, आज सुबह सुबह भी तुम करोगे तो तुमको नींद आएगी। तो सबसे बढ़िया रहेगा कि तुम जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं सब दिन में करो। जैसे कि क्या कर सकते हो, कोई क्वेश्चन आंसर याद करना है, है ना, कोई टॉपिक याद करना है, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह याद करना है, तो वो चीज़ें आप दिन में कर सकते हो, है ना। इससे नींद का कोई सवाल ही नहीं उठता। किसी चैप्टर को रिवाइज़ करना है तो वो चीज़ आप दिन में कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन चीज़ों को फॉलो करो आप। किसी टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इन्हें समझना है, तो ये चीज़ें दिन में करो ताकि नींद का कोई मुद्दा ही ना उठे, राइट। और धूप सेको। स्टेप नंबर टू, सभी लिखने वाले काम रात को करो, जितने भी लिखने वाले काम हैं सब रात को करो, क्योंकि पढ़ने बैठते हो आप, नींद आने लगती है, इसलिए लिखने वाले काम करो रात को ताकि आपको नींद ही ना आए। एक्टिविटी करते रहो, है ना, नींद आए म्यूजिक सुन लो। ठीक है, आप जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो उसे लिख कर समझना है, वो चीज़ आप कर सकते हो ना, वो चीज़ आप
इंक्लूड कर सकते हो। थर्ड थिंग, आप अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस किसी भी सब्जेक्ट के अगर स्टूडेंट हो तो आप ड्राइंग वगैरह बना सकते हो, तो उसकी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका सिलेबस भी क्लियर होगा। और अदर एक्टिविटीज़ जो कि आपको नींद आने से बचाती है तो वो चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, राइट। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ठंड का सीजन है यार, और स्वास्थ्य के दिन पे ही कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। थर्ड थिंग, रात में खाना थोड़ी कम खाया करो। हाँ, कुछ दिनों के लिए मेहनत कर लो। देखो, स्टूडेंट लाइफ में केवल दो ही चीज़ होती है, पढ़ाई और खिलाई खाई। बस जितना खाना है खाओ, जितना पढ़ सके पढ़ो, बस दो चीज़ों का काम करा करो, बस हो गया, कुछ नहीं। तो रात में थोड़ा कम खाना है, इससे आलस पैदा होती है तो पढ़ने में नींद आती है रात को, ठीक है। सो अगर आप कम खाओगे तो यू विल बी एक्टिव, राइट, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाएगी, नो लेजीनेस, और प्रॉपर तरीके से स्टडी हो सकेगी, ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो करना, ये स्टेप्स नंबर थ्री, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि बिल्कुल भी मत खाना, कम खा के एकदम से जीरो बटे सन्नाटा चले जाओ तो नींद आए। स्टेप नंबर फोर, हर चीज़ उपलब्ध कराओ, जो जो चीज़ को तुमको पढ़ते वक्त तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, राइट, तो उन सब चीज़ों को उपलब्ध कराओ अपने आसपास, ताकि तुम्हें उठ के जाना ना पड़े, चाहे वो घड़ी हो, लैपटॉप हो, फ़ोन हो, किसी भी तरीके से ऑनलाइन तरीके से स्टडी करते हो, ऑफलाइन तरीके से स्टडी करते हो, बुक्स वगैरह है, तो ये कुछ भी है, अपना पूरा स्टडी मटेरियल और ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन पेपर्स आप अवेलेबल करा सकते हो साइड में, ठीक है। खाने की चीज़ें भी रख सकते हो बगल में, जो कि आपके खाते पढ़ते वक्त वो चीज़ें जिससे माइंड शार्प होता है, सैम्पल पेपर्स वगैरह, ऑल ओवर कहा जाए तो बेसिकली ऑल स्टडी मटेरियल जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है, बाई चांस पढ़ते वक्त पेपर सॉल्व करने का पड़े तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, उठ के नहीं जाओगे तो दोबारा मन ऊब जाता है, उठ के जाने से मन ऊब जाता है, अरे यार बाद में पढ़ेंगे, इससे अच्छा पहले से सब रख ले तो अच्छा रहता है। स्टेप नंबर फाइव, कि क्या पढ़ें, आखिरकार पढ़ाई करें तो करें क्या चीज़ और किस तरीके से करें, राइट। बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि आखिरकार पढ़ें तो पढ़ें क्या, ठीक है, और क्या ऐसा कवर कर लें कि आपके एग्ज़ाम में फंस जाए और क्वेश्चन आपसे वो आ भी जाए, है ना, और किस तरीके से पढ़ें। तो इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, सबसे फर्स्ट नंबर देखो, कवर ऑल फोर ईयर क्वेश्चन पेपर, चार वर्ष के क्वेश्चन पेपर तुम सॉल्व कर डालो बस। मैं तो अब बस यही करने वाला हूँ कि चार वर्ष के तुम्हारे पेपर सॉल्व करवा के ही मानूंगा, ठीक है। तो मुझसे जुड़े रहो, इतना तो ज़रूर इससे ज़रूर करो। ब्लू प्रिंट सैम्पल पेपर्स इन्हें सॉल्व कर लो, गो थ्रू द सिलेबस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ कि सिलेबस से अलग कुछ भी क्वेश्चन आए, तो सिलेबस के थ्रू जाना ही जाना है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि सिलेबस के बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आने वाला, तो सिलेबस कवर करो। कुछ एक्सटर्नल स्टेप्स हैं, इन्हें फॉलो कर सकते हो, जो कि बहुत ही गोल्डन ट्रिक्स हैं, जो कि मैंने बताया था शुरू में कि मैं ये चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ, इन्हें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, तुम्हारे रियल लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। सुबह उठने की आदत डालो। हाँ, मुझे पता है कि यार ठंड में नहीं उठ पाते हो, ठीक है, मैं खुद नहीं उठ पाता, लेकिन यार 2-3 महीने के लिए तो उठ सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग में 3 सब्जेक्ट कवर करो ही करो, ठीक है, कम से कम 3 सब्जेक्ट तो कवर ही कर डालो, 3 सब्जेक्ट मॉर्निंग में, और बची हुई 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आपकी लगती हैं उन्हें इवनिंग में कवर करो। दोपहर में आप ऑब्जेक्टिव पढ़ो, ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, 20 नंबर आप ऐसे खेल सकते हो। एंड रीड ऑल द सब्जेक्ट डेली, सभी सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपको स्किप नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना, रेगुलर बेस पे पढ़ाई करनी, निरंतर स्टडी करनी है तुम्हें, ठीक है। अगर कोई भी सब्जेक्ट स्किप करोगे तो उसका वीडियो वो चला जाएगा। तो बस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी सवाल है कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।